यहाँ पे ट्री लगने की तैयारियाँ हो गई हैं स्टार्ट, और ये एक बंदा स्टूल ले आया है, यहाँ पे रखेंगे और यहीं पे हम अपने ट्री को इस कॉर्नर पे हम डेकोरेट करेंगे। और अम्मी ने कर दी है, जल्दबाजी दिखा दी है, तो स्टैंड पे इस तरह के ये बहुत बड़ा क्रिसमस है ट्री है, तो इसके ये इस तरह से बंचेज होते हैं, इसको ये अब खुलेंगे स्लोली स्लोली। तो अभी अम्मी ने इसको स्टैंड पे फिक्स किया है, और तो अभी वन बाय वन हम इनको ओपन करेंगे, इनके लीव्स को, और इसको फिर हम डेकोरेट आपको करके दिखाते हैं। एक विशाल ओपन कर रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है ये, आप देख सकते हो। तो आ दिया है इसका दूसरा पंच भी अटैच कर दिया। अभी इसके आपको मैं बता रही हूँ लीव्स इसके अभी खुलने बाकी हैं। तो और अभी एक ये वाला पंच पड़ा है, ये भी इसके ऊपर लगेगा, फिर हम इसको खोलेंगे लीव्स को, फिर आपको दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत लगने वाला है। और ये हमारा कॉर्नर यहाँ लगेगा, कितने फिट का है ये, 6 फिट का, इन लीव्स को खोलना सबसे बड़ा ज्यादा मसला है, बहुत टाइम लगाता है। वैसे एक छोटा सा ट्री भी बन सकता है, विशाल है वाला है छोटा ट्री, वो देखो ऊपर पंखे को टच कर रहा है, क्योंकि ये टेबल पे रखा हुआ है इसलिए। अब इसको जब हम नीचे रखेंगे तो ये फिर हमारी हाइट पे आ जाएगा। सो बिग, देख सकते हैं। हो गया है ट्री का टेबल रेडी कुछ इस तरह से। अब हम इस पे ट्री अपना रखेंगे इस तरह से, इसके ये पूरे लीव्स इस तरह खुलेंगे लाइक दिस, और ये भी खुल चुका है आप देख सकते हो। अभी ये बंद है, इसको भी खोलेंगे, ये ट्री को खोलना बाकी है, तो ट्री को भी खोलते हैं। हेलो लाइज, बैक टू माय चैनल भी तो बोलो। हाँ ए मुन्ना बोलो, हेलो गाइज, उमा दे दो, फ्लाइंग उमा दे दो सबको, फ्लाइंग उमा हैंडी से बाय बाय कर दो। पीछे करो, पीछे करो, हाँ बस सही है, हाँ थोड़ा फैला फैला के करो। Thank you.
अपनी गलती को। हमारा ट्री हो गया है रेडी और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं आपको हेड टू टो दिखाती हूँ। ये है हमारा ट्री लाइक दिस और ये हमने की है डेकोरेशन। सो आप देख सकते हो ये इस तरह का हमने लिया है और देख लो मिक्स एंड मैच किया हुआ हमने कर्टन शीट्स के साथ सारा कुछ और ये सजावट कुछ इस तरह की है। तो आपको मैं बहुत ही डिटेल से भी दिखाऊंगी। और ये पिक्चर जैसा कि मैंने आपको बोला था हम नहीं हटाएंगे क्योंकि ये हमारे बिल्कुल हमारे ओकेजन के हिसाब से जा रही है पिक्चर। तो हमने ये रिमूव नहीं की, ये हमने सेंटा को इधर हैंग कर दिया है ताकि ये ऊपर से ही सारी चीज़ों के नज़ारे ले। स्टार लगाया है बड़ा, स्टार की बहुत बड़ी अहमियत है। ठीक है जी, बेल्स ये मैंने थर्मापॉल से इसके ऊपर शीट्स करके ग्लिटर करके इसको मैंने बनाया था। चलें रुक जाए, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। तो इसकी कहानी है कि ये 4 साल से बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ साइड से थर्मापॉल से ऐसे बना हुआ है मैंने ऊपर से किया और ऊपर इसकी शीट्स लगा के और ग्लिटर से थोड़ा सा इसको कर दिया है।
ये हमने बाय किया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये भी मैंने बनाया है, खुद अपने हैंड से ही बनाया है। ये भी आप देख सकते हो थर्माकोल से बना हुआ है। ये ट्री भी थर्माकोल से बना है और इसको मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया था। ये भी एक बहुत बड़ी वो है। तो अभी तो खैर मैंने इसका कोई आर्ट का वो नहीं किया कि देखो पीछे थर्माकोल है इसका, और इसको भी मैंने कट किया था और ये ऐसे हमने करके इसको बनाया है। साथ में मैंने एक कैंडल बनाई थी, पर्पल कैंडल इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे पर्पल कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए पर्पल कैंडल बनाई थी। ये छोटा सा क्रिसमस ट्री है जो कि बच्चों ने डेकोरेट किया था, आपने वीडियो में देखा होगा। तो इनको मैंने इस ट्री के हिसाब से ये सामान उतार के दिया था ताकि देखने, और ये गिफ्ट्स हमने जैसा कि आपके सामने बनाए थे। तो ये मैंने इनका टैग्स इस तरह बना दिया। मैं पहले सोच रही थी कि मैं इनकी टैगिंग्स को, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, हर कलर आ रहा है इस पर। तो अच्छा बात शुरू करते हैं। तो मैं कह रही थी कि मैं कुछ सेंटा या फिर कुछ स्नोमैन करके इस तरह करके टैग अच्छा सा बनाऊंगी, पर मैंने कहा ये लोगों ने फाड़ ही देना है, इसलिए मैंने कुछ भी ऐसी वर्डिंग नहीं लिखी कि जिसको आप फाड़ के फेंको तो कोई मसला ना हो। जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड का नाम नहीं लिखा ताकि फट भी जाए गिर भी जाए तो कोई मसला ना हो। तो शीट्स हम लाए थे इस तरह की, डिफरेंट डिफरेंट शीट्स लेके आए हुए हैं, आप ये देख सकते हो कितनी प्यारी हैं। इसके साथ हमने गिफ्ट्स पैक किए हुए हैं। तो ये बच्चों का है, भाभीयों का है, मेरा भी अम्मी लोगों ने पैक करके रखा है ये वाला, और मुझे पता है इसमें क्या है, बट इसको मैं आपको खोल के आप लोग को भी दिखाऊंगी। तो खैर ये पैक किया है क्योंकि इन्होंने बोला था ट्री पे रखना, क्योंकि मैंने अपना गिफ्ट खुद पसंद किया था, क्योंकि मेरे सिस्टर और मेरी मदर को पता है कि मैं खुद पसंद करती हूँ। तो ये बच्चों के हैं, क्या हैं आपको बाद में बताएंगे, इनमें क्या है ये तो आपको व्लॉग में दिख गया होगा। ये मैंने विशाल के लिए गिफ्ट लिया है, ये मैंने इसीलिए आपको व्लॉग में नहीं दिखाया वरना विशाल देख लेता, इसीलिए इसको पैक करके ही आपको दिखा रही हूँ। तो जब हम इसे, ये भी विशाल का, तो जब इसे ओपन करेंगे तब आपको दिखाएंगे। फिर एक शीट कुछ इस तरह की है, तो ओकेजन के हिसाब से शीट्स का इस्तेमाल किया है। होप यू लाइक इट। और इस पर मैंने थोड़ी सी लाइटिंग की हुई है। अच्छा जी, दूसरी बात पे आ जाते हैं इनकी। तो वाज थे हमारा टूट गया था, एक वाज बचा है, दो वाज बचे हैं, लेकिन उस वाज में ना एक्सटेंशंस को हमने वो कैरी किया हुआ है तो इसलिए इसको यूज़ नहीं कर रहे। तो मैंने ये फ्लावर्स इस तरह से पीछे करके हैंग कर दिए हैं और उन पर लाइट्स कर दी है, आप देख सकते हो। और ट्री की जो सजावट है वो मैं आपको ज़रा आराम से दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत प्यारी डेकोरेशन है हमने ली थी जी। तो अब आ जाते हैं हम अपने टेबल पे, छोटे वाले टेबल पे हमने इस तरह की ट्रेज रखी हुई हैं। ये भी काफ़ी देर से हमने ली हुई थी, ये हमें बाज़ार से मिल गई थी। और फेस्टिवल आ जाए ना, विंटर्स आ जाएँ, तो ये इस तरह की चीज़ें सब आसानी से मिल जाती हैं। और एक तरफ हमने स्नोमैन की ट्रे ली थी, तो बहुत प्यारी है, हर साल इनको हम इसी तरह पैक करके रख देते हैं। तो ये है जी जो मैंने आपको फ्लावर्स दिखाए थे, न्यू फ्लावर्स हैं, इनको हमने इस तरह अपने टेबल पे लगा दिया है। तो बहुत ही ओवरऑल लुक बहुत अच्छी आ रही है। तो क्लॉक को हटाना है, अभी क्लॉक मैंने नहीं लगानी है, अभी लगाऊंगी तो वो भी आपको इधर ही मेंशन करके दिखा दूंगी। बाकी आप शीट्स देख सकते हो, बहुत अच्छी लग रही हैं। काका की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो यहीं सो गई है, इसलिए बेड शीट चेंज नहीं की, लेकिन आगे आने वाले व्लॉग्स में भी आपको ये सब साफ़ सफाई दिख जाएगी, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हमारी डेकोरेशन हो रही है जी। तो आ जाते हैं अभी हम ज़रा स्टोरी पे। चलिए स्टोरी से पहले आपको और डेकोरेशन दिखा देते हैं। तो जी मैंने इस तरह से हैंग किया हुआ है, ऊपर भी मैंने क्रिसमस से, और ये बेल्ट में बच्चे आते जाते इसको बजाते रहते हैं घंटियों को। और ये देखें, ये ऊपर जो हमारा गिफ्ट आया था वो है, और ये भी एक पाउच सा है। बाबा जी ज़रा मुँह तो दिखाना, इसके बहुत प्यारे फर्स हैं। और ये देखो ये भी बचता है, ठीक है जी। फिर हमारे आउटडोर पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमने इस तरह फ्लावर्स को डेकोरेट किया है, देख सकते हो उनको धोया था तो मैंने आपको दिखाए थे फ्लावर्स, ठीक है जी। तो ये इस तरह का ये कपड़ा सा है, तो उसको मैंने लगाया हुआ है इस तरह छोटे छोटे मोची कील से लगाया, ये बाद में आराम से निकल भी जाते हैं, उनको फिर हम पैक करके रख देते हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरह से ये है, और बाहर वाले दरवाजे पे हमने ये आयत लिखी हुई है, आपको भी पढ़ाते हैं। फिर ऊपर भी हैंगिंग की हुई है इस तरह से, जो मैं एक दिन पहले मैंने इसको फ़ैन पे वहाँ किया था, लेकिन फ़ैन पे फिर मैंने वो फ्लावर्स लगा दिए, अभी वो भी दिखाते हैं आपको। और ये मैंने यहाँ यूँ दरवाज़ों पे लगा दिया है,
और यहाँ पे मैंने ये वाली लड़ियाँ लगा दी हैं, क्योंकि अभी जब हम अपनी डेकोरेशन ये हटा देंगे ना सारी क्रिसमस की, तो इसको फिर हम अपने इधर लगाएंगे, हैंग करेंगे इन चीज़ों पे। ठीक है जी, तो अभी दोपहर का टाइम है और सब सो रहे थे, तो मैंने कहा चलें आपको डेकोरेशन दिखा देते हैं। तो ये थी हमारी डेकोरेशन और क्लॉक मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। लाइट्स ऑफ करके भी आपको क्रिसमस ट्री दिखा रही हूँ। ये है इसकी सारी डेकोरेशन, तो आप देख सकते हो। क्लोज करके आपको इसकी डेकोरेशन दिखा रही हूँ, जो कि हम हर साल ही लेते हैं, हर साल हम डिफरेंट कर देते हैं इसकी डेकोरेशन, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं मार्केट्स में कि दिल करता है बस लेते ही जाओ लेते ही जाओ। और ट्री को ऐसे फुल कर देते हैं और यहाँ से इसकी डेकोरेशन दिखाती हूँ। मुझे बहुत यूनिक यूनिक डेकोरेशंस बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि ये। तो अभी भी हम कोशिश कर रहे थे कि इसकी डेकोरेशन थोड़ी सी हम चेंज करें, बट कुछ मार्केट में पसंद नहीं आया। और ये बहुत बड़ा है, ये हमारा जो ट्री है वो है 6 फीट का। ठीक है जी, तो अब लाइट ऑफ की है तो ये ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। टॉर्च ऑन बंद की है और अब ये बस लाइट, जब हम सब रात में सो जाते हैं तो इस तरह से ग्लिम करता है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये साथ में फ्लावर्स भी ऐसे ही हो रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये लाइट्स ही रही हैं, गिफ्ट्स भी आ रही है, तो गिफ्ट्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और हमारा सेंटा भी ब्लिंक कर रहा है, ब्लर हो रही कुछ। सो व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करने वाली हूँ, तो आपको एक रिव्यू दिखा देती हूँ मैं नाइट का। तो आप हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और इसी के साथ सबको मैरी क्रिसमस, और क्रिश्चियन कम्युनिटी को मेरी तरफ से और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस।